अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और डिज़ाइंस के आइडियाज़ शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ हैं। कैसे लगे आपको, आप सबने जो है कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये मेरे पास एक फ्रॉक है, मैंने बनाया है, और एक ये मैंने सूट बनाया है। तो दोनों मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इस पर जो है डिज़ाइन बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त से कलर कॉम्बिनेशन आप इसके चेक कर सकते हैं। अगर कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया चाहिए तो वो भी आपको ये सूट देख के मिल सकता है आइडिया। और ज़बरदस्त है, डिज़ाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस तरह के आप बहुत सारे डिज़ाइन देखना चाहते हैं और रोज़ नए नए डिज़ाइन देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको रोज़ जो है न्यू डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। तो बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, ये मैंने इसका गला इस तरह से बनाया। इस कपड़े का पूरा प्रिंट इस तरह से था। ये जो है बुनेंजा सतरंगी का ये सूट है, बहुत ही ज़बरदस्त था। ये देखिए, इसका गला मैंने बनाया। यहाँ पे मैंने पाइपिंग यूज़ की, ये मैंने ट्राउज़र के कपड़े की यूज़ की है। एक गोल गला ऊपर से रखा है, बीच में थोड़ा सा मैंने इसको कट दिया है, और यहाँ तक जो ऊपर वाला हिस्सा मैंने रखा है फ्रॉक का, वहाँ तक मैंने ये देखिए पाइपिंग इसको लगाई है। और फिर यहाँ पर मैंने सेम ट्राउज़र के कपड़े के लूप्स बना के लगाए हैं, और यहाँ पर ये बटन्स बना के लगाए हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। देखिए, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। उससे नीचे मैंने इस पे जो है ये डिज़ाइन रखा है। ये देखिए, इसकी भी कंप्लीट लुक दिखा रही हूँ आपको, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहती हैं तो। अब मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने इस पर जो है ये डिज़ाइन बनाया है। ये भी मैंने ट्राउज़र के कपड़े के बनाए हैं। इस तरह से मैंने इसको जो है वो प्रेस किया है, और फिर यहाँ पर एक बीच में लूप लगाए हैं। तो ये देखिए, चार मैंने लगाए हैं। एक थोड़ा बड़े साइज़ का लगाया, उसके थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, फिर मैंने एक लगाया, और फिर बीच में लूप लगाया। लूप के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, आप चाहें तो यहाँ पे बटन मोती वगैरह लगा सकते हैं अगर आपको मज़ीद कुछ करना है। ऊपर से मैंने इसको सिलाई लगा दी है, और यहाँ पे साइडों पे जो भी हिस्सा बचा है वहाँ पर मैंने फिर चुनट डाल दिए। ठीक है, बैक साइड पर मैंने पूरा जो भी यहाँ पर है इसका, तो उस पर मैंने चुनट डाले, जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, या आम फ्रॉक के हम चुनट डालते हैं इस तरह से पूरे कंप्लीट उसमें, तो उस तरह से मैंने चुनर डाले बैक साइड की। ये देखिए, ठीक है, बैक साइड पे मैंने कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाया। और ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स की ये देखिए कंप्लीट लुक मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से है स्लीव्स की लुक। यहाँ पे ये मैंने जो कपड़ा इसके यूज़ किया, ये भी ट्राउज़र का कपड़ा है, यहाँ पर मैंने इसको इलास्टिक डाला है। इस तरह से मैंने इसके स्लीव्स बनाए हैं। और ये इसका दामन है, यहाँ पर ये इसका प्रिंट है आगे पीछे दोनों साइड पर दामन पर, और साइडों से मैंने थोड़ा सा इसको खोल दिया है। देखिए, इतना सा मैंने इसके चाक खोल दिए हैं। यहाँ पे भी मैंने जो है एक सिलाई लगाई है, फिनिशिंग पट्टी वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ की। अगर आपको मज़ीद चाहिए तो आप ऊपर से पट्टी लगा सकते हैं, या फिर नीचे से भी लगा सकते हैं। ये है जी इसका ट्राउज़र, इसको मैंने प्लाजो स्टाइल में बनाया है। ज़्यादा चौड़ा भी नहीं रखा है इसके पांचों को, और ज़्यादा तंग भी नहीं रखा, बस नॉर्मल से रखे हैं इनमें। ये देखिए, इस तरह का मैंने डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पे मैंने बुकरम पे जिस तरह से पाइपिंग लगाते हैं उसी तरीके से मैंने पाइपिंग लगाई है, और फिर ये मैंने यहाँ पे बना के लगाए हैं। ये मैंने शर्ट के जो फ्रॉक का कपड़ा है शर्ट का, उसके बना के लगाए हैं। फिर इसके ऊपर सेम मैंने ट्राउज़र के कपड़े के बटन्स बना के लगाए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी लुक है, ये कम्प्लीट लुक है। अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं जी। तो ये दूसरा सूट है इसका गला, ये देखिए ऊपर से मैंने थोड़ा सा इस तरह का इसका शेप दिया है, और यहाँ पे ये देखिए इसका डिज़ाइन कंप्लीट मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये जो इसका सिंपल कपड़ा आप ऊपर से देख रहे हैं, ये मैंने ट्राउज़र का कपड़ा यूज़ किया है। बुकरम पर मैंने गले को कट किया है, तो मैंने ऊपर की साइड पर जो इसको इस तरह से मोड़ के रखा है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर लेस डाली है इस तरह से। और ये देखिए पट्टियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, बीच में मैंने रखी हैं, इनको मैंने इस तरह से रखा है, मैंने सिंपल रखी है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर बटन या फिर पल्स कुछ भी लगा सकते हैं। ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे ये बॉर्डर है, तो इसके नीचे मैंने जो है फिनिशिंग पट्टी यूज़ की है, और इसके अंदर मैंने लेस को डाला है। यहाँ पे मैंने लेस लगाई है और मैंने कुछ भी नहीं किया। ये देखिए इस तरह से। और ये इसका दामन है, दामन पर भी आगे पीछे दोनों साइड पर जो है इसके बॉर्डर है, तो मैंने दोनों साइड पे आगे पीछे दोनों साइड पे जो है ट्राउज़र का कपड़ा यूज़ किया है। फिनिशिंग पट्टी लगाई है यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने ये देखिए नीचे दामन पे भी और साइड में चाक पे भी लेस लगाई है।
और ये इसका ट्राउज़र है। अगर किसी को जो है ज़्यादा डिज़ाइन नहीं चाहिए तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन है। ये देखिए थोड़ा सा डिज़ाइन भी है और सिंपल तरीके का भी है, तो मोती वगैरह जिनको नहीं चाहिए उनके लिए ये ज़बरदस्त सा डिज़ाइन है। बीच में मैंने इस पर जो है ये डिज़ाइन रखा है, यहाँ पर मैंने लेस लगाई है उसके अंदर, और सेम कपड़े पर मैंने जो है वाइट कलर की ये देखिए इस तरह की सिलाइयाँ लगाई हैं, तो ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। उम्मीद करती हूँ आप सबको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, ये आइडियाज़ पसंद आए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपको डेली जो है न्यू डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।